अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ हलवे की रेसिपी। सूजी का हलवा आज हम बनाएंगे। मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 300 ग्राम मैंने सूजी ली है, एक पाव से थोड़ी ज़्यादा है, 300 ग्राम ही मैंने चीनी ली है, 5 से 6 इलायची ली हैं मैंने, ये थोड़े से मेवे हैं जिसमें किशमिश है, बादाम है और नारियल है। आपको जो पसंद हो वो आप डाल लें। 1 कप के करीब मैंने घी लिया है और यहाँ पे ये खुश्क दूध है, ड्राई मिल्क पाउडर, ये मैंने नीडो का लिया है। ये आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो, चाय वाला नहीं होना चाहिए, ये आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया डाल लें। यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर दूध है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। चलिए हलवे को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉल में सूजी को शामिल करूँगी। फिर इसमें मैं ये अंडे शामिल करूँगी, 2 अंडे भी इसमें जाएंगे, ये शामिल करूँगी मैं इसमें। मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी, तकरीबन 1/2 kg से थोड़ा सा कम ही डालूंगी मैं अभी पहले इसमें। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मैंने इसमें तकरीबन 400 ग्राम दूध शामिल किया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी। अब मैं पैन ले लूँगी, इसमें मैं तकरीबन ये अपना जो 1 कप घी है मेरे पास, देसी घी है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसमें इलायची शामिल कर दूँगी। इलायची को इसमें थोड़ा सा अभी मैं कड़कड़ाऊंगी। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी को मैं घी के साथ अच्छी तरह से हिला लूंगी जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चीनी को पकते हुए घी के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी ये मेल्ट नहीं हुई, इसको हमने मुकम्मल तौर पे मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसको तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मेल्ट होने में। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी और जो बैटर तैयार किया था, सूजी, अंडे और दूध का, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। अब इसको मैं इसके साथ भून लूंगी अच्छी तरह से। एक दफ़ा बिल्कुल सख्त हो जाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नरम होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भून लूँगी। सूजी को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। जब दूध और ये इसमें घी में शामिल करूँगी तो उस वक्त थोड़ी सी ये सख्त लगेगी, लेकिन बाद में ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। अभी मैंने इसको लो हीट पर तकरीबन 10 मिनट तक और भूनना है। हलवे को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं इसमें बाकी दूध जो है वो भी शामिल करूंगी।
तकरीबन इसमें मैं एक पाव के करीब और दूध शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें मैं ये खुश्क दूध भी शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं दूध को इसमें अच्छी तरह से खुश्क करूंगी और फिर इसको थोड़ा सा और भून लूंगी। हलवे को मैंने तकरीबन 10 मिनट मज़ीद भून लिया। अब ये बिल्कुल ठीक तरह से पक गया। पैन को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं इसमें तमाम मेवे शामिल कर दूंगी। और अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये लीजिए, हमारा हलवा बनके रेडी है। ये बहुत मज़ेदार बना है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें।